तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी विवाद को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अब कानून पर भरोसा नहीं है, अब सड़क पर उतरना होगा। हर जिले में 2 लाख लोग सड़क पर उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो बाबरी मस्जिद जैसी पाबंदी लगेगी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो ज्ञान वापी विवाद से जुड़ी है। तौकीर रजा खान को अब कानून पर भी भरोसा नहीं। हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंदर में नहीं है। तौकीर रजा खान ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। हम दिखाना पड़ेंगे, तादाद दिखानी पड़ेगी। ज्ञानवापी मस्जिद में तौकीर को बाबरी मस्जिद दिखती है। तो अगर आज हमने कुछ न किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उतनी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उनकी आस्था अदालत में नहीं है, इसलिए अब सड़क पर उतरिए। मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी, आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती। यही नहीं, तौकीर रजा ने मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन चलाने की अपील की। धरना दे, प्रदर्शन करें, जेल भरो आंदोलन चलाए। जेल से ज्यादा हमें क्या दे सकते हैं ये लोग? अगर जेल से ज्यादा इनके पास कुछ है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तौकीर रजा खान यही नहीं रुके, उन्होंने मुसलमानों को बाबरी के नाम पर भी उकसाने की कोशिश की। कुछ नहीं हो रहा है, अभी इसकी पाबंदी लगना शुरू होगी। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, बिल्कुल वही होना है। आहिस्ता आहिस्ता। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तौकीर रजा पर हमला बोला है। अब ये जो तौकीर रजा का जो बयान है, ये मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अंधा और बहरा हो करके बयान दे रहे हैं। उनको इस देश की कौमी एकता से कोई मतलब नहीं है। तौकीर रजा मुस्लिम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में भी जुटे हैं। शनिवार को तौकीर रजा ने रामपुर जाकर आजम खान से भी मुलाकात की है। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर,
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।